हेलो खमा घड़ी सा। तो ब्लॉग की शुरुआत की है श्याम से हम लोगों ने, तो अभी कल का और आज का दोनों ब्लॉग हम शेयर करेंगे दिन भर का, और देखते हैं क्या क्या शेयर करते हैं आपके साथ। कल होली का कुछ काम भी करना है मुझे, मतलब मिठाई वगैरह बनानी है, तो कल से स्टार्ट करूँगी। और आज है मेरा बर्थडे। हेलो गाइस, तो आज है मेरा बर्थडे, तो हम लेके आई हूँ मेरे लिए केक। मना किया लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती लेके आई है, और अभी इसको लगी है जल्दी अठी जल्दी केक काटो, जल्दी केक काटो, हम काटेंगे अभी केक और एंजॉय करेंगे। और थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चिकू रहेगी चिकू का तो फेवरेट है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। खिला देगी या गिर देगी? बेटा हाथ से खिला दे, हाथ से खिला दे, हाथ से खिला दे, हाथ से खिला दे। ऐ आंगली लगा दियो अपने, तो खाए कौन जाओ। थैंक यू, ये ले खिला दे। अब हुआ हैप्पी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे आंटी का। तो पता है बच्चों ने बनाए मेरे लिए कार्ड, थैंक यू चिकू, हाथों से बनाए, पता है दिन भर बैठे थे ये लोग बनाने के लिए, थैंक यू। और ये बनाया बिट्टू ने टेप उतार के, वाओ थैंक यू टू, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं नहा के आ गई और बच्चों को भी नहला दिया, और अभी मैंने अपनी पूजा भी कर ली और लड्डू को दूध पिला दिया, और कपड़े भी साथ में धोने के लिए डाल दिए, और अभी नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं पोहे। अब नाश्ता करेंगे क्योंकि आज हम लोग लेट ही उठे थे। हेलो, ये देखो उधर वो येलो वाला डब्बा, छोटे वाला वो निकलो। तो ये मैंने आलू और मूंगफली फ्राई कर ली, और इधर का तेल भी मेरा गर्म हो गया पोहे के लिए, तो इसमें राई डालूंगी, उसके बाद प्याज डाल दूंगी, और फिर पोहे डाल के मसाले डाल देंगे। तो मैं हमेशा जैसे बनाती हूँ वैसे ही पोहा बनाती हूँ, मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में पोहा कैसे बनाते हैं। तो ये इसमें प्याज डाल देंगे, और फिर इसमें थोड़ी सी चीनी, हल्दी और नमक डाल दूंगी। बच्चे बोल रहे मम्मी मीठे वाला पोहा खाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीनी डालनी होती है, बस और कुछ नहीं करना। और ये पोहा मैंने धो के ले लिया, पूरा नहीं पकाना प्याज को, हल्का सा कच्चा रखना प्याज को। तो टमाटर भी मैंने डाल दिए, और ये एक चम्मच भर के मैंने चीनी डाल दी। और ये हल्दी पाउडर डाल दिया एक चम्मच, और नमक पोहे में डाल के मिला दूंगी, मुझे अच्छे से मिल जाएगा इसमें। ये सब मसाले डाल दिए, अभी हल्दी को पका लेते हैं, चीनी की थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद पोहा डाल देंगे इसमें। फिर पोहा डाल दिया, और ऊपर से आलू और मूंगफली भी डाल के मिक्स करूँगी इसको, मिक्स कर देती हूँ। तो ये यम्मी यम्मी पोहा बन के रेडी हो गया, और अभी मैं बच्चों को खाने के लिए डाल दूंगी। तो मैं बना रही हूँ मठरी, तो मठरी बना रही हूँ, 1 kg मैदा लिया है मैंने, और मेथी वाली बना रही हूँ, तो इसमें सूखी मेथी डालूंगी मैं। और हल्दी डालूंगी कलर के लिए 1 चम्मच, और नमक डालेंगे 2 चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी इसमें मैं 2 चम्मच, लाल मिर्ची डाली मैंने, और अभी डालूंगी इसमें अजवाइन। तो ये ले ली मैंने अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे
और सबको मिक्स कर लो। अभी डालेंगे हम इसमें ऑयल, मतलब मोयन, ये मोयन भी मिला दूंगी मैं। तो मोयन मैंने मिक्स कर दिया, अभी इसका टाइट सा आटा लगा लेंगे। अभी ये तेल डाल के रख दिया कढ़ाई में, जब तक तेल गर्म हो रहा है इतने मम्मी मठरी बना रही है। तो यहाँ पे मठरी बेल रही हूँ मैं, तो मैं काउंटर पे नहीं बेलती क्योंकि वहाँ पे मन नहीं होता मेरा बेलने का और चकला छोटा पड़ जाता है, तो रात पे ही बेल के बनाऊंगी। तो ये मठरी सब मैंने बना ली, मतलब और बाकी वो बाद में बनाऊंगी, एक बैंगनी फ्राई करूंगी। और इधर ऑयल चेक करने के लिए एक मठरी डाल के देखेंगे, तो ये ऑयल भी इधर आ गया, तो सब मठरी इसमें मैं डाल दूंगी। तो इसकी बनाऊंगी मैं चीनी वाली मठरी, तो इसमें और कुछ तो डलेगा नहीं, तो मोइन डलेगा इसमें अच्छे से। तो ये मोइन डाल दिया मैंने और इसको मिक्स कर लूँगी। तो ऐसे है ना, लड्डू बनना चाहिए इतना मोइन डालना है इसमें। और अभी इसका टाइट आटा लगा लूँगी मैं। तो ये चाशनी वाली मठरी का आटा मैंने लगा लिया और आटा ये इतना टाइट लगा है। अभी इसको 5-10 मिनट रेस्ट के लिए रखूँगी। और इसमें कुछ नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, बस मोइन डाल के और बनाने होते हैं इसको, फिर इसकी बनाऊँगी चाशनी। तो ये मैदा है करीब एक केजी है, 1 केजी में, 1 केजी से थोड़ा सा कम चीनी की चाशनी बनाऊँगी। तो चाशनी रहेगी 2 तार की, ताकि है ना इस पर जो ये मीठे वाली मठरी है इस पर ऊपर से चिपक जाए, ऐसी बनाएंगे। तो चाशनी जब मैं बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। तो ये मठरी के लिए मैंने चाशनी बनानी स्टार्ट कर दी। तो 1 केजी चीनी, 1/2 ग्लास पानी डाला, अब इसकी चाशनी बनाएंगे। और इधर ये मीठे वाली मठरी पक रही है अभी, मतलब मीठे वाले शक्कर पारे मठरी नाम निकल रहा है मेरे तो बार बार में। तो ये यहाँ पे पक रही, धीरे धीरे पकानी है ताकि अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये थोड़ी मोटी रहती है ना इसीलिए। हमारी चाशनी बन के रेडी होगी, तो चाशनी ऐसी होनी चाहिए, 2-4 तार चल रहे हैं इसमें, तो ऐसी होनी चाहिए। चाशनी डाल दी मैंने पूरी इसमें, अब इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये बन के रेडी हो गए, इनमें चीनी सब में अच्छे से चिपक गई है। और अभी इनको ठंडे करके फिर किसी कंटेनर में भर दूंगी मैं। तो अभी एक बार मिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा गर्म है तब तक, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक साथ में। शक्करपारे मीठे वाले बन के रेडी हो गई, और देखिए इनमें सब में चीनी लग गई। तो ये भी बना लिए, और ये मेथी की मठरी थी वो भी बना ली मैंने। तो दोनों चीज़ें मैंने बना ली है। तो शाम हो गई, अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो हम लोग कर रहे हैं पूजा, वो पूजा कर रही है बिट्टू। और ये हमने लड्डू के लिए प्रसाद भी रख दिया जो आज हमने बनाया था, वही वाला है ना बिट्टू। हाँ बिट्टू कर रहा है जय 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 जय। हम सब कर रहे हैं पूजा, जय 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 कर रहे। शाम हो गई तो पूजा करेंगे अभी। बाबू दीपक में ना बत्ती ऊपर नहीं थी, खाना ले साइड हो, तू हाथ साफ कर। लगाओ लगमा लगाओ, तुम प्रसाद खिलाओ भगवान जी को, सबको खिलाना है ना। बोल दो लड्डू खा लो, खा लो खा लो, प्रसाद बनाइए मम्मा ने। हाँ सबको खिला दो, सबको। और खिलाओ माता जी को, माता जी को, बड़ी वाली माता जी को, बड़ी वाली माता जी को खिलाओ। हाँ अभी माता जी को खिलाओ, चलो अभी लड्डू को दूध पिलाओ, लड्डू को दूध पिलाओ, लड्डू को दूध पिलाओ, खिला रहे थे सबको। हाँ वाह, आयो हाँ बोल दे लड्डू दूध पी लो,
लड्डू दूध पी लेता है, आपको पता है? हाँ दूध तो पी लेता है क्योंकि लड्डू को भी पसंद है और बिट्टू को भी पसंद है दूध। चलो अभी लड्डू पी लिया दूध, हाँ रख दो। एक दूध पूरा पी जाएगा। हाँ पूरा पी जाएगा। चलो अभी कटोरी रखो यहाँ पे। चलो अभी जय जय करो, जय जय करो, जय 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 माता रानी की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो माता रानी। तो हम लोगों ने अभी पूजा कर ली, अभी बनाएंगे खाना। तो खाने में देखेंगे अभी क्या बनाएंगे हम लोग। तो ये कल से ही ब्लॉग कंटिन्यू था शाम से ही। तो अभी खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो हम बना रहे पकोड़े। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी पकोड़े खाने का मन हो रहा है तो पकौड़े बना दो। तो उसके लिए मैं बेसन छान रही हूँ और पकौड़े बनाएंगे प्याज और आलू के। और इधर ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। मसालों में डालेंगे साबुत जीरा और नमक 2 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर डाल देंगे बस। तो आप लोग सोचोगे कि सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है, तो मेरे सर में और अब बहुत तेज दर्द। मैंने ली अभी दवाई, पता नहीं मेरे आँख के यहाँ पे एक दाना सा निकला है अंदर में, तो दर्द हो रहा है, उसी की वजह से सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। तो मैंने दवाई खा कर कपड़ा बांध रखा है अपने सर पे। तो दिन भर का ब्लॉग हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया और ये वाले ब्लॉग का यहीं करते हैं एंड। और अभी बज गए रात के 9:30 और ये वाला ब्लॉग कल आएगा, है ना बिट्टू? होली वाले दिन आएगा ये वाला ब्लॉग हमारा, है ना? हाँ। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और क्या क्या चीज़ें हमारी ब्लॉग में अच्छी लगती है आप लोगों को कमेंट भी करें। थैंक यू एंड खमा गणेशाय।